दुमका की बेटी अंकिता सिंह की हत्या के विरोध में रविवार की शाम चास प्रखंड अंतर्गत मामर कुदर मोड़ पर भाजपा युवा नेता सह समाज सेवी त्रिलोचन झा नेतृत्व में दर्जनों लोगों की संख्या में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताते हुए अंकिता के हत्यारे के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। कैंडल मार्च मामर कुदर स्थित बजरंग बली मंदिर से निकाली गई, जो विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। कैंडल मार्च के दौरान लोग अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं, बहन बेटियों पर अत्याचार बंद हो जैसे नारे लगा रहे थे। हाथों में तख्तियां लेकर कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे थे। भाजपा युवा नेता सह समाज सेवी त्रिलोचन झा ने बताया, हेमंत सोरेन ने भोली भाली जनता को सब्ज बाग दिखा, वोट बटोर लिया। आज झारखंड ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हताशा, निराशा, भ्रष्टाचार, घूसखोरी चरम पर है। बहन बेटियां दरिंदों का शिकार हो रही हैं। हेमंत सरकार में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जनता बेबस है, लाचार है। इस दौरान त्रिलोचन झा ने झारखंड में बढ़ते आपराधिक मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि रूपेश पांडे, लालजी यादव, संध्या टोपनो, रूपा तिर्की, अंकिता सिंह के बाद एक आदिवासी नाबालिग लड़की जिसे लव जिहाद का शिकार करने के बाद जिस प्रकार से निर्मम हत्या कर पेड़ पर लटका दिया गया, उससे देश भर के लोगों में आक्रोश का माहौल बना। राज्य के मुखिया के भाई का विधानसभा क्षेत्र में दिनों दिन लव जिहाद का मामला बढ़ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है अपराधियों का मनोबल कितना बड़ा है। चंदन कैरी से मुकेश कुमार महता की रिपोर्ट। इस तरह हेमंत सरकार पिकनिक मनाने में मस्त है और हमारे बेटियों को पेट्रोल जला के कहीं मार दिया जा रहा है, कहीं फांसी पे लटकाया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं आज 10 दिन के अंतराल जिस तरह का घटना ये हो रहा है। और कहाँ विधायक लोग पिकनिक मनाने में मस्त है, हेमंत सरकार का कोई सुध लेने नहीं जाता है उसका कोई भी मंत्री। तो ये एक तरफ से बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरह से लव जिहाद का मामला भी सामने आ रहा है, जिस तरह हिंदू बेटियों को जिस तरह जलाकर मारा जा रहा है, जिस तरह किया जा रहा है, ये एक गहरी जांच की विषय है। और जांच करके इन लोगों को फांसी पे जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। और कानून व्यवस्था का तो कोई राज्य में कोई रह ही नहीं गया है, बस ये अपना भ्रष्टाचार और बाकी पिकनिक मनाने में ही व्यस्त है, अपना सरकार बचाने में ही व्यस्त है। मुख्यमंत्री के भाई के विधानसभा क्षेत्र में ऐसा घटनाक्रम घटित हो रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? जी हम तो फिर बात वही दोहरा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का भाई और अहमद सराज जो भी है, ये तो सब भ्रष्टाचार, सरकार बचाने का फेरा में और पिकनिक मना रहा है। शर्म की बात आना चाहिए कि इतना बड़ी बड़ी घटना हो जा रहा है दुमका में, लेकिन कोई भी सुध लेने वहाँ तक नहीं जा रहा है। आए दिन इस प्रकार के घटनाक्रम बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक प्रकार से पूरे झारखंड प्रदेश में युवाओं में बवाल है, युवा आक्रोशित है। आप लोग का क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? बिल्कुल हम लोग बहुत आक्रोशित है और अगर सरकार दोषियों पे जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई नहीं करती है और इस तरह का घटना अगर बढ़ती है, कानून व्यवस्था का राज स्तर नहीं होता है, तो आज हम लोग यहाँ पे एक कैंडल मार्च के थ्रू हम लोग सरकार का विरोध भी जता रहे हैं और बहन अंकिता का इंसाफ दिलाने के लिए नोटिस भी कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। रूपेश पांडे हो, अंकिता सिंह हो, या तो आपका ये पप्पू टोप्पो हो, या तो अन्य कोई ऐसे 10 दिन के दरमियान ऐसा घटनाक्रम आते रह रहा है, आपका क्या विचार है इस पर? बिल्कुल आप देखिए रूपेश पांडे जी का हत्या हो, बहन अंकिता को और एक बेटी जो दुमका में अभी फांसी लगा के उसको लटका दिया गया, और उसके बाद जो है दलितों का जिस प्रकार घर तोड़ा जा रहा है, तुष्टिकरण की ये सरकार राजनीति कर रही है, कहीं ना कहीं ये जातिवाद की राजनीति कर रही है। हेमंत सरकार तो बोलते हैं अपने आप को कि हम आदिवासियों के हितैषी है, दलितों के हितैषी है, लेकिन क्यों तोड़ा जा रहा है घर, क्यों रूपेश पांडे का हत्या कर दिया जाता है, क्यों दलितों का बेटियों को पेट्रोल जलाकर मार दिया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हेमंत सरकार हर इसमें विफलता है। एक कानून व्यवस्था बिल्कुल उजड़ चुका है, इसमें इस राज्य में कानून व्यवस्था कहीं नहीं है और हेमंत सरकार जल्द सुधर जाए, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन से इससे भी आक्रोशित रैली करेंगे। ये तो आज हम लोग का शांतिपूर्ण आंदोलन और दलितों का घर तोड़ा जा रहा है, एवं हमारे जो दुमका में मेरी बहन जैसी मेरी छोटी बहन अंकिता को जो पेट्रोल जला के जो आग लगा के उसका मृत्यु हुए है, और उस जो ऐसा व्यक्ति जो उनको जलाया है उसको अभी तक फांसी का हम लोग मांग करते हैं पूरा युवा साथीगण मिल करके, और हमारे झारखंड सरकार का हम लोग खूब जोर विरोध करते हैं। दुमका में कहीं ना कहीं 10 दिनों के अंतराल में एक के बाद एक घटनाक्रम घटित होते हैं, होते रही है, क्या विचार आपका? ये देखिए भ्रष्टाचार सरकार है, अभी ये स्मूथ करने के लिए विधायक लोग बढ़िया बढ़िया रिसोर्ट में जाके इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग का बेटी को जलाया जा रहा है, हम लोग का बेटी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, कि दलितों के ऊपर घर तोड़ा जा रहा है, सरकार इंजॉय कर रहे हैं, सब तमाम विधायक को लेकर बढ़िया बढ़िया जाके इंजॉय कर रहे हैं, होटल में जाके रुक रहे हैं। राज्य में कहने का एक प्रकार से आपराधिक घटना बहुत बढ़ गई है,
हम लोग का झारखंड में रहना मुश्किल हो गया है। आज आप लोग क्या मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग मांग कर रहे हैं कि जितना भी अत्याचार कर रहे हैं सबका फांसी होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए उसको, क्योंकि हम लोग का वाहन खुला मिल घूम नहीं पा रही है, कहीं जा नहीं पा रही है, बढ़िया से सो नहीं पा रही है, घर के अंदर सोई हुई थी उसका अंदर पेट्रोल छिटक कर उसको जलाने का काम किए हैं, तो समझिए कितना सेफ है हम लोग झारखंड के वासी। ये तो हम लोग को बहुत दुख की बात है। और बोलते हैं कि हम आदिवासी का हम सरकार हैं, आदिवासी हैं, और आदिवासी का ही घर तोड़ा जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी एवं महामहिम जो राज्यपाल जी हैं रमेश पेस जी, उनको आगाह करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है, ये विदेशी साजिश है जो कि हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है। आज हमारी बहन बेटियाँ असुरक्षित है और इसका मुख्य कारण है कि हमारे ऊपर एक विदेशी षड्यंत्र लगा हुआ है। हमेशा लव जिहाद चल रहा है, हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को घर तोड़ा जा रहा है, आदिवासी बेटी को रेप करके उसको पेड़ में लटका दिया जा रहा है। आप कहाँ सोए हैं? हिंदुत्व जब टूटता है, हिंदू के घर अगर टूटता है तो आपको दर्द नहीं होता है, कोई एक विशेष समुदाय का घर टूट जाता है आपको दर्द होता है। हमारे हिंदी माँ बहन बेटियों को आपके ऊपर थोड़ा सा भी दया नहीं है? ये निर्लज्ज सरकार है क्योंकि इसके पास किसी प्रकार की कोई काम नहीं है, सिर्फ हिंदियों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि जैसे भाषा नीति लाई, भाषा नीति लाने का कोई काम नहीं था उनको, सिर्फ हिंदुओं को उसमें भी टारगेट किया गया, उसमें उर्दू भाषा को सम्मिलित करना था, इसलिए उन्होंने 3-4 भाषाओं को ऐड कर दिया और 2-3 भाषाओं को फिर हटा कर उर्दू भाषा को उन्होंने रखा। ये बस हिंदुओं के ऊपर टारगेट है, हिंदुओं को वो तोड़ रहे हैं। और हमारे हिंदू भाई बहन को मैं इसी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सब एकत्रित होइए, समय आ गया है। अगर आज मेरा घर नहीं बसा, आज कोई दलित का घर टूट रहा है, कोई आदिवासी का घर टूट रहा है, कोई अंकिता सिंह जल रही है, कल और कोई जलेगा, इसलिए सब एकत्रित होइए। और मैं हेमंत सोरेन जी को पुनः आगाह करता हूँ कि हिंदुत्व के प्रति ध्यान दीजिए, नहीं तो सरकार बदलेगी। हिंदुत्व बदलता है, देखे ना आप, 500 सालों तक विदेशी ने राज किया फिर भी हिंदुत्व जिंदा है। पूरे विश्व में आज भारत की संस्कृति को देख रही है, सनातन धर्म आदि धर्म है, हमेशा रहा है और रहेगी, लेकिन आप बदल जाइएगा। इतना ही कहकर मैं आपको धन्यवाद। दुमका में कहीं ना कहीं 10 दिनों के दरमियान ऐसे 2 घटने सामने आए हैं, क्या विचार है? ये टारगेट है, मैंने आपको बोला कि ये हिंदुओं के ऊपर टारगेट है और कहीं ना कहीं विशेष समुदाय द्वारा जो किया जा रहा है, इसका जो सपोर्ट मिल रहा है वो झारखंड सरकार के द्वारा मिल रहा है। ये विदेशी फंड भी आता है इन लोगों का, जो पहले कुछ एजेंसी का जांच चल रहा है देश में, आप देखिए उन एजेंसी को पैसा दिया जा रहा है, उसका विदेशी फंड का भी खुलासा हुआ है मीडिया के माध्यम से। आप ही लोग बताए हैं कि विदेशी मुद्रा जो आ रही है उन लोग अकाउंट में, लव जिहाद का जो मामला चल रहा है, एक लव जिहाद में उन लोगों को करोड़ों रुपया मिलने लगा है। तो ये टारगेट है, हम हिंदुओं को समझना पड़ेगा, हमारी माँ बहनों को समझना पड़ेगा, हमारे बेटियों को घर जाके समझाना पड़ेगा, ये इस सब के चक्कर में ना आए और हिंदुत्व को समझे। एक प्रकार से कहने कहीं कहा जाए तो ये सरकार आपके विचार से तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। बिल्कुल, तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और हिंदुओं को भेद रही है, हिंदुओं को टारगेट कर रही है, बस सत्ता में रहने के लिए वो कर रही है, ये पूरी बड़ी बात ही पता है। लेकिन जो किसी का नहीं हुआ वो हेमंत सोरेन आपका भी नहीं होगा, इसलिए याद रख लीजिए। बात बाकी तो आप समझदार है। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती।